जो मैंने पहले लेक्चर में जो मैं लेक्चर का सीरीज़ शुरू किया हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स, जिसमें मैंने आपने देखा होगा कि एक मैंने क्वेश्चन लिया हुआ था, उसमें पिंडर को लेके मैंने बात किया था, उसमें एक राइटर मीनांडर भी थे, सैफो भी थे, और भी एक ऑप्शन दिया हुआ था। उसी लेक्चर उसी पार्ट को मैं अब दूसरे अपने लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। इसमें मैं मीनांडर को लेकर के, कुछ और राइटर्स हैं उनको लेकर के मैं बात करूँगा। एंड हियर यू विल गेट कि दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी डिटेल्ड वे। आई एम गोइंग टू कवर मीनांडर। जो मीनांडर आपके जो राइटर थे, अगर आप मीनांडर को लेकर के बात करते हैं तो MENANDER जो मीनांडर है ये 342 सी का मतलब होता है सिरसा, मीन्स लगभग जो है 342 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, 292 ईसा पूर्व या BC में इनका डेथ हुआ था। यह एक एथीनियन ड्रामेटिस्ट थे, ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे, हुम एंशियन क्रिटिक्स कंसीडर सुप्रीम पोएट ऑफ ग्रीक, जिसको कि एंशियन क्रिटिक्स जो है क्या कहते हैं, एक सुप्रीम पोएट के रूप में याद करते हैं। किसके सुप्रीम पोएट मीन्स यहाँ पे सुप्रीम राइटर, यहाँ पे पोएट मीन्स नॉट कवि के सेंस में हमें लेना है। मीनांडर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन न्यू कॉमेडी को, इट मींस दैट जो न्यू कॉमेडी का कॉन्सेप्ट ग्रीक में आया है वो मीनांडर लेकर के आए थे। मीनांडर कब पैदा हुए, 342 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे, 292 ईसा पूर्व में उनकी मौत हुई थी। एंड ही वॉज अ ग्रीक ड्रामेटिस्ट। व्हाट द कंट्रीब्यूशन ही हैज़ गिवन, ही द क्रेडिट गोज टू हिम टू स्टार्ट न्यू कॉमेडी। जो न्यू कॉमेडी रहा है एक तरह से द लास्ट फ्लारिंग ऑफ एथीनियन स्टेज कॉमेडी था। ऑल दो ही रोड मोर देन 100 प्लेज, उन्होंने 100 से ज़्यादा प्लेज लिखे हुए हैं। ही वन ओनली 8 विक्ट्रीज एट एथीनियन ड्रामेटिक फेस्टिवल, और जो एथीनियन ड्रामेटिक फेस्टिवल होता था उसमें उनको 8 विक्ट्री मिला हुआ है। मीनांडर वर्क्स वर मच अडॉप्टेड बाई द रोमन राइटर्स प्लाउटस एंड टीरेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वे कौन से रोमन राइटर थे जिन्होंने मीनांडर के वर्क को जो है क्या किया, फॉलो किया। तो मीनांडर का जो वर्क है इट वॉज मच एडॉप्टेड बाई हुम, बाई द रोमन राइटर प्लाउटस एंड टीरेंस। प्लाउटस और टीरेंस भी क्या थे, कॉमेडी से एसोसिएटेड थे। ही एलिजली ड्रोन्ड वाइल स्विमिंग एट द पायरेयस, और उनका जो डेथ हुआ था वो डूब गए थे जो पायरेयस जो एक एथेंस का पोर्ट है वहाँ पे जो है तैरते समय, स्विमिंग करते समय उनका डेथ हुआ था, PIRAEUS। तो ये जो पार्ट था किसको कवर किया, मीनांडर को लेकर के बात हुई है। नेक्स्ट राइटर है एलेक्सिस, ALEXIS। हमें इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ज़रूर जानना चाहिए कि ये लोग कौन थे, इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। एलेक्सिस का जो जन्म हुआ है 375 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है, 275 ईसा पूर्व के आसपास उनका डेथ हुआ है। वह एक जो है मिडिल और न्यू कॉमेडी के राइटर थे। ही वॉज वन ऑफ द फोरमोस्ट राइटर ऑफ मिडिल और न्यू कॉमेडी के, और एथेंस के राइटर थे। तो एलेक्सिस भी ड्रामेटिस्ट थे। हमें बहुत अगर ना पता हो तो हमें इतना पता हो कि वो क्या थे, ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे। अगर ड्रामेटिस्ट थे तो किस तरह के ड्रामेटिस्ट थे, कॉमेडी से जुड़े थे, कॉमेडी में ओल्ड कॉमेडी से या न्यू कॉमेडी, जैसे मीनांडर जो है न्यू कॉमेडी से जुड़े थे और ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे। और उनकी कॉमेडी को रोम में किसने फॉलो किया, उनकी कॉमेडी को रोम में प्लाउटस और टीरेंस ने फॉलो किया हुआ था। इसी तरह से एलेक्सिस को लेकर के बात हो रही कि एलेक्सिस जो है मिडिल और न्यू कॉमेडी से जुड़े हुए थे, ये भी एथेंस के थे। अ लो फॉर्म ऑफ कॉमेडी दैट सक्सीडेड द ओल्ड कॉमेडी ऑफ एरिस्टोफेंस। यह एक ऐसी कॉमेडी थी जो एरिस्टोफेंस की ओल्ड कॉमेडी को क्या करती है, सक्सीड करती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओल्ड कॉमेडी से कौन जुड़ा हुआ था, एरिस्टोफेंस से जुड़े हुए थे। मीनांडर किससे जुड़े हुए थे, न्यू कॉमेडी से जुड़े हुए थे। तो ये सारे ऑप्शन हम लोगों को वहाँ पर मिला हुआ था। नेक्स्ट जो एक आथर है प्लाउटस, प्लाउटस का जन्म 254 BC में हुआ, 184 BC में उनका डेथ हुआ था। प्लाउटस रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे, ये रोम से बिलोंग करते हैं, हुज वर्क्स लूजली एडेप्टेड फ्रॉम ग्रीक प्लेस, और इन्होंने ग्रीक राइटर के प्लेस को एडॉप्ट किया था। और जिसको इन्होंने एडॉप्ट किया था वो कौन से थे, मीनांडर, जिन्होंने न्यू कॉमेडी को। तो
अगर क्वेश्चन आता है कि न्यू कॉमेडी का क्रेडिट किसको दिया जा सकता है, मीनांडर को, जो कहाँ के थे, ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे। ओल्ड कॉमेडी का जो है किसको दिया जाता है, एरिस्टोफेन्स को, वो भी कहाँ के थे, एथेंस के थे, और उनको उसका क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन जो प्लाउटस है, इन लोगों ने एक कहाँ के थे, रोम के थे, एक रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने मीनांडर की न्यू कॉमेडी को अडेप्ट किया, उसको फॉलो किया है। अ ट्रूली ड्रामा इन द लैटिन, और उन्होंने एक तरह से लैटिन लैंग्वेज में एक ड्रामा लिखने की शुरुआत, या एक शुरुआत तो नहीं कहा जा सकता, एक इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में उन्होंने ड्रामा को लिखने की कला की शुरुआत की है। तो इस शीट में हम किसके बारे में जाने, मीनांडर के बारे में जाने हैं। इस शीट में हम एलेक्सिस के बारे में जाने, प्लाउटस के बारे में जाने हैं। नाउ वी विल कवर द नेक्स्ट शीट। जो नेक्स्ट शीट है, इसमें एक राइटर आ रहा है, टीरेंस, TERENCE। टीरेंस का जन्म 195 BC में हुआ, 159 BC में उनका डेथ हुआ है। टीरेंस जो थे, क्या थे, प्लाउटस के बाद, आफ्टर प्लाउटस ही वॉज द ग्रेटेस्ट रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट। टीरेंस और प्लाउटस दोनों रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट थे। दोनों ने जो है मीनांडर की न्यू कॉमेडी, मीनांडर कहाँ के थे, ग्रीक के थे, उनकी न्यू कॉमेडी को दोनों ने अडेप्ट किया है। रोमन कॉमिक ड्रामेटिस्ट, द आथर ऑफ सिक्स वर्स कॉमेडीज, टीरेंस प्लेज फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ये किस पर आधारित है, ये जो है टीरेंस की कॉमेडी पर आधारित है। तो टीरेंस प्लेज, जो टीरेंस के प्लेज थे, फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जो उसमें एक क्वेश्चन आया था, जिसमें कि बताया गया था कि मीनांडर न्यू कॉमेडी से जुड़े थे, न्यू कॉमेडी किस तरह की कॉमेडी थी, उसको भी लेकर के मैंने बात किया है। न्यू कॉमेडी जो है, यह एक तरह से ग्रीक में आई हुई थी, ग्रीक का मतलब यूनान में आई हुई थी। ग्रीक ड्रामा फॉर्म अबाउट 320 BC या 320 ईस्वी के आसपास आई थी। कब तक थी, थर्ड सेंचुरी BC तक थी, ये जो है थर्ड सेंचुरी BC तक थी। That offers a mildly satiric view of contemporary Athenian society। New comedy में एक तरह से satire होता था, लेकिन mild satire, हल्का व्यंग किया जाता था, जो उस समय की contemporary Athenian society होती थी। जो contemporary Athenian society होती थी, उनमें जो कमियाँ, जो shortcoming होती थी, उनको mild satire के माध्यम से लोगों के सामने लाया जाता था। तो new comedy की खासियत क्या थी, इसमें एक तो उसमें माइल्ड सटायर होता था, दूसरा चीज़ उसमें जो एथीनियन कंटेम्प्रेरी एथीनियन सोसाइटी होते थे, उनके बारे में उसका जिक्र होता था। स्पेशली इन इट्स फेमिलियर एंड डोमेस्टिक आस्पेक्ट्स, खास करके उसके डोमेस्टिक जो आस्पेक्ट होते, उसको लेकर के बात की जाती थी। न्यू कॉमेडी फीचर्स फिक्शनल एवरेज सिटीजन, और जो न्यू कॉमेडी है, यह औसतन नागरिकों को लेकर के बात करता है। एंड हैज़ नो सुपर नेचुरल आर हीरोइक ओवरटोन्स, इसमें कोई सुपर नेचुरल या हीरोइक ओवरटोन्स नहीं होता। मीनांडर इंट्रोड्यूस्ड द न्यू कॉमेडी इन हिज वर्क 320 BC एंड बिकेम इट्स मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट, राइटिंग इन अ क्वाइट विटी स्टाइल। जो मीनांडर थे, उन्होंने क्या किया, मीनांडर इंट्रोड्यूस, उन्होंने न्यू कॉमेडी को इंट्रोड्यूस किया है, एंड बिकेम इट्स द मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट, राइटिंग इन अ क्वाइट विटी स्टाइल। तो हियर यू सी व्हाट, हियर यू सी कि न्यू कॉमेडी कहाँ पे आई है, ग्रीक ड्रामा की देन है। इसके जो बड़े राइटर हैं कौन हैं, वो मीनांडर थे। न्यू कॉमेडी की खासियत क्या थी, ये 320 BC से लेकर, इसका जो टाइम पीरियड था 320 BC से लेकर थर्ड सेंचुरी BC तक रहा है, और इसमें एक तरह से माइल्ड सटायर का यूज़ किया जाता था कंटेम्प्रेरी एथेनियन सोसाइटी को प्रेजेंट करने के लिए। और ये जो कॉमेडी थी, ज़्यादातर फेमिलियर और डोमेस्टिक आस्पेक्ट को लेकर के चलता था, उस पहलू को, जैसे सोसाइटी तो है, लेकिन सोसाइटी में ऐसी चीज़ों को जिससे वे लोग वाकिफ होते थे, उन्हीं चीज़ों को लेकर के रखता था, फेमिलियर और डोमेस्टिक आस्पेक्ट्स को। इसमें किसी तरह का सुपर नेचुरल या हीरोइक ओवरटोन्स नहीं था। मीनांडर ने इसको इंट्रोड्यूस किया न्यू कॉमेडी को जो है, और ये काफ़ी हद तक फेमस हुआ, एक विटी स्टाइल के साथ आया। लिटरी टर्म में एक चीज़ पूछा जाता था कि माइम या पैंटोमाइम क्या होता है, तो मैंने इसे भी कवर किया है। पैंटोमाइम, PANTOMIME, और माइम।
इन मॉडर्न टाइम्स इट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर आर अ स्टोरी सोलेली बाई मीन्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स एज बाई रियलिस्टिक एंड सिम्बोलिक जेस्चर्स। कह रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में माइम या पेंटोमाइम उस तरह के ड्रामा को कहा जाता है जिसमें जो परफॉर्मर होता है। इन मॉडर्न टाइम्स इट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ पोर्ट्रेइंग, जिसमें जो है कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया जाता है, एक कैरेक्टर को या स्टोरी को सोलिली, यहाँ से एक खासियत है सोलिली बाई मीन्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, इसमें केवल बॉडी मूवमेंट होता है, कोई भी बोलता नहीं, या सिम्बॉलिक जेस्चर होगा जो एज बाई रियलिस्टिक एंड सिम्बॉलिक जेस्चर। मीन्स जो पेंटोमाइम होगा एक तरह का ड्रामा है जिसमें कैरेक्टर्स मम होता है, ही डजेंट या शी डजेंट स्पीक अ सिंगल वर्ड थ्रू हिज कह सकते हैं बॉडी मूवमेंट्स या सिम्बॉलिक जेस्चर्स के माध्यम से वो अपनी सारी बातें रखता है। ये पेंटोमाइम की खासियत होती है, माइम या पेंटोमाइम का। कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं बोलेगा, केवल मुंह होकर के जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज या बॉडी मूवमेंट के माध्यम से, सिम्बॉलिक जेस्चर के माध्यम से वह सारी चीज़ों को परफॉर्म करेगा। तो अगर आप देखिएगा तो इस शीट में हम लोगों ने टीरेंस के बारे में, जो ये शीट रही इसमें हम लोगों ने टीरेंस के बारे में स्टडी किया, न्यू कॉमेडी के बारे में, माइम और पेंटोमाइम को लेकर के हमने बात किया है। नेक्स्ट शीट जो है इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। एक राइटर रहे सीसीरो, CICERO, सीसीरो एक रोमन राइटर नहीं थे, सीसीरो एक रोमन स्टेट्समैन थे, लायर थे, स्कॉलर थे और राइटर भी थे, हु वेनली ट्राई टू अपहोल्ड रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स इन द फाइनल सिविल वार। तो इफ़ एनीवन आस्क यू हु वाज सीसीरो, इनका जन्म 106 BC में हुआ था, 43 BC में इनका डेथ हुआ था। और सीसीरो क्या थे, एक रोमन स्टेट्समैन थे, लॉयर थे, स्कॉलर थे और राइटर थे। नेक्स्ट एक आथर नाम है, बड़ा नाम है या सेक्सस पॉम्पियस फियासस जो फियासस थे वो क्या थे, एक लैटिन ग्रामेरियन थे, ही वाज अ लैटिन ग्रामेरियन, एक बड़ा चीज है, हु मेड एन एब्रिजमेंट इन 20 books, जिन्होंने 20 किताबों को बहुत संक्षिप्त में करके प्रेजेंट किया। अब उसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक मैंने नया चीज लिया, ओल्ड कॉमेडी क्या है और इसकी खासियत क्या है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि ओल्ड कॉमेडी से कौन जुड़ा हुआ था, राइटर एरिस्टोफेन्स जुड़े हुए थे। न्यू कॉमेडी से कौन जुड़ा हुआ था, मिनांडर जुड़े हुए थे। मिनांडर की जो न्यू कॉमेडी थी उसको रोमन राइटर टीरेंस और प्लाउटस ने अडेप्ट किया हुआ था। जो न्यू कॉमेडी थी उसमें माइल्ड सटायर होता था, उसमें जो है कंटेम्प्रेरी एथीनियन सोसाइटी, खास करके जो फेमिलियर जो डोमेस्टिक आस्पेक्ट होता था उसका प्रेजेंटेशन होता था। अब यहाँ हम लोग ओल्ड कॉमेडी के इनिशियल फेज ऑफ एंशियंट ग्रीक कॉमेडी नोन थ्रू द वर्क्स ऑफ एरिस्टोफेन्स, शुरू में जो कॉमेडी आई हुई है जो इनिशियल फेज था जिसे आप ओल्ड कॉमेडी भी कह सकते हैं ग्रीक में, इसको लाने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, एरिस्टोफेन्स को दिया जाता है। ओल्ड कॉमेडी प्लेज आर कैरेक्टराइज बाई एन एग्जीबिरांट एंड हाई स्पिरिटेड सटायर, जो ओल्ड कॉमेडी है, ओल्ड कॉमेडी प्लेज आर कैरेक्टराइज बाई एन एग्जीबिरांट एंड हाई स्पिरिटेड सटायर ऑफ पब्लिक पर्सन एंड अफेयर्स कंपोज ऑफ सॉन्ग डांस पर्सनल इन्वेक्टिव एंड बफनरीज, द प्लेज ऑल्सो इंक्लूड आउट स्पोकन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म एंड कमेंट ऑन लिटरेरी एंड फिलोसफिकल टॉपिक्स। यू सी हियर कि ओल्ड कॉमेडी की क्या खासियत थी, ओल्ड कॉमेडी प्लेज आर कैरेक्टराइज बाई एन एग्जीबिरेंट एंड हाई स्पिरिटेड सटायर ऑफ पब्लिक पर्सन एंड अफेयर्स होता था, कंपोज ऑफ सॉन्ग डांस पर्सनल इन्वेक्टिव एंड बफनरी, द प्लेज ऑल्सो इंक्लूड आउट स्पोकन पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म एंड कमेंट ऑन लिटरेरी एंड फिलोसफिकल टॉपिक्स। नेक्स्ट टर्म लिया गया कोरस क्या होते थे, द कोरस इन क्लासिकल ग्रीक ड्रामा वॉज अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स, या एक तरह का ग्रुप ऑफ एक्टर्स होते थे, वो डिस्क्राइब्ड एंड कमेंटेड ऑन द मेन एक्शन
जो कि मेन एक्शन पर कमेंट करते थे, उनको डिस्क्राइब करते थे ऑफ द प्ले, प्ले के साथ ही साथ वो डांस को रिसाइटेशन के माध्यम से बातें करते थे। तो वी कम टू नो कि कोरस क्या था, क्लासिकल ग्रीक ड्रामा में ग्रुप ऑफ एक्टर्स था हु डिस्क्राइब एंड कमेंटेड अपॉन द मेन एक्शन ऑफ द प्ले विथ डांस रिसाइटेशन ऑल दीज थिंग्स। तो इन दिस शीट व्हाट डिड वी कम टू नो, वी केम टू नो अबाउट सीसीरो, सीक्सस, पॉम्पियस, फीजस, ओल्ड कॉमेडी, कोरस। नाउ द लास्ट शीट ऑफ टुडेज क्लास, एस्किलस, ही वाज द फर्स्ट ऑफ क्लासिकल एथेंस, वह एथेंस का पहला, एस्किलस ये क्या है, दैट इज व्हाट, एक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे और वह पहले क्लासिकल एथेंस के ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। एस्किलस जो है ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट मिनांडा, वी वर टॉकिंग अबाउट एरिस्टोफेन, उनका कॉमेडी में कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो एस्किलस का जो है ट्रेजिडी में, ग्रेट ड्रामेटिस्ट हु रेज द इमर्जिंग आर्ट ऑफ ट्रेजिडी टू ग्रेट हाइट्स ऑफ पोएट्री एंड थिएट्रिकल पार। और इन्होंने ट्रेजिडी को उस लेवल पे ले गए जिस लेवल पे पोइट्री और दूसरे आर्ट की बात की जाती है। इनका जो मेजर वर्क्स है उसमें एक का नाम है लाइबेशन बियरस, दूसरे का नाम है ऑरेस्टीसिया, तीसरा है पर्सियंस, चौथा है प्रामिथस बाउंड और पांचवा है सप्लाइंस। तो ये पांच उनके वर्क हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एस्किलस क्या थे, ग्रीक क्लासिकल ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट नाम जो है सोफोक्लिस का है, सोफोक्लिस इम्पोर्टेंट है एमंग विद एस्किलस, अगर एस्किलस के साथ किसी का नाम लिया जाता है तो उसमें एक ड्रामेटिस्ट है यूरिपिडिस, यूरिपिडिस का नाम लिया जाता है और ये भी सोफोक्लिस और यूरिपिडिस का, एलॉन्ग विद एस्किलस एंड यूरिपिडिस, अगर एस्किलस और यूरिपिडिस का के साथ किसी का नाम लिया जाता है सोफोक्लिस का, मतलब ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, तीन नाम ध्यान में रखना, एस्किलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिडिस। Along with Aeschylus and Euripides, one of classical Athenian Greek great tragic playwright, the best known of his 130 dramas is Oedipus the King. उनके उन्होंने कई ड्रामा लिखा है लेकिन 123 में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है Oedipus the King है। इसके अलावा उनके कुछ और वर्क को यहाँ नोट किया गया है, ये जॉक्स, एंटीगॉन, इलेक्ट्रा, Oedipus Rex, ट्रैकस, फिलोसिटस, ईडिपस एट कोलोनेस, ट्राचीनियन वूमन। यूरिपिडिस भी उसी कैटेगरी के हैं, ग्रेट ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट, फेमस फॉर एल्सेस्टिस, इलेक्ट्रा, हेलेन, साइक्लॉप्स। सो दीज थिंग्स यू आर गेटिंग हियर। वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस शीट पर हमने जो डिस्कस किया है वो एस्किलस को डिस्कस किया है, उनके वर्क को डिस्कस किया है, सोफोक्लिस को डिस्कस किया है, उनके एक वर्क को ईडिपस द किंग, उनका नोटेबल वर्क यही है यूरिपिडिस तीन को। तो इन दिस आई हैव कंप्लीटेड एंड आई टोल्ड यू कि आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स विच कवर लिटरेरी टर्म्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू UGC ने TGT एंड PGT, UP TGT एंड PGT आर एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू अपियर टू क्रैक स्लेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी स्टेट आर PhD इंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड फॉर एनी क्वेरी और फॉर एनी क्लास यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर That is 8188 6565 3। Thanks.